किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने जिस तरह से दिल्ली को घेर रखा है, वैसे ही यूपी की राजधानी लखनऊ का भी घेराव करेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा करने के सवाल पर टिकैत ने कहा, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जनता जिससे खुश होगी उसे वोट दे देगी। वही पैसा लेकर आंदोलन करने के आरोप पर राकेश टिकैत ने कहा कि यह सारे आरोप अनर्गल है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। 8 महीने आंदोलन करने के बाद में यह निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो ऐड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है बल्कि मोदी सरकार से है। राकेश टिकैत के मुताबिक किसान सरकार के आरोपों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो सबसे जरूरी है वह है MSP और सरकार MSP के लिए कानून नहीं बना रही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, इस दौरान किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी, ये पूर्ण रूप से काम होगा। लखनऊ आने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बैठकें होंगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर खबर लिख देगा किसान के पक्ष की तो उसके वहां पर छापे लगेंगे। ये हालात है देश में, मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्चर है। हर जगह किसान को बिजली फ्री दी जा रही है तो फिर यूपी में क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने पूछा कि आखिर हम चुनाव में क्यों नहीं जा सकते? अब ये चुनावी भाषा में समझेंगे तो वैसी ही दवाई दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।